मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सिक्स सीखेंगे. ओके, इंग्लिश ग्रामर में एम इज आर ये वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में आता है. एम इज आर, ओके, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, कैसे करते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. यहाँ पे हमें जो पिक्चर्स दिए हैं वो देखने हैं और सेंटेंसेस को रीड करना है. यहाँ पे गर्ल है, वो बोल रही है आई एम ए गर्ल, मतलब कि मैं लड़की हूँ. ओके, तो हमें ये याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट टेंस में. आई के साथ हमेशा एम आता है एज ए वर्ब. ओके, यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं तो वी आर गर्ल्स. यहाँ पे देखो गर्ल्स मतलब प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे आएगा आर. ओके, वी के साथ आएगा आर जो प्लूरल फॉर्म दिखाता है हमें. यू है, आप सिंगुलर में यूज़ कर सकते हो, प्लूरल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ वर्ब आर ही आता है हमेशा. यू आर ए बॉय, आप एक, तुम एक लड़के हो. तो दो लड़के हैं अभी, दो बॉय है, फिर भी आर ही आएगा. यू आर बॉयज, यहाँ पे भी यू के साथ आर आएगा, यहाँ पे भी यू के साथ आर आएगा, लेकिन यहाँ पे ए बॉय है मतलब एक लड़का, यहाँ पे दो बॉय है मतलब बॉयज, प्लूरल फॉर्म. ओके, ही इज अ मैन, वे एक आदमी है मतलब कि मैन है. दे आर मैन, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया, वो लोग आदमी है ऐसा. सी इज अ वुमेन, दे आर वुमेन, यहाँ पे ही हमने देखा ही शी है तो इज लगा क्योंकि वो सिंगुलर एक ही है, इसीलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो आर आएगा. इट इज़ एन एनिमल, दे आर एनिमल्स. हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमने पहले भी पढ़ा है, जब कोई लड़के की बात हो तो ही आता है, लड़की की बात हो तो शी आता है, जानवर पक्षी या कोई चीज़ की बात हो तो ईट आता है. ओके, अब जब ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं मतलब कि एक ही होते हैं तो इज वर्ब आता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो तीनों में आर आता है. ओके, फिर से लर्न कर देते हैं हम. आई एम, आई के साथ एम लगेगा. वी आर, यू आर ए बॉय, यू आर बॉयज, यू के जो यू है उसके साथ आर ही आएगा, इस कभी आएगा नहीं. ओके, यू के साथ हमेशा आर ही वर्ब आता है. ही इज़ अ मैन, दे आर मैन. सी इज़ अ वुमेन, दे आर वुमेन. इट इज़ एन एनिमल, दे आर एनिमल्स. ओके, तो हमने यहाँ पे ये लर्न किया कि जैसे ही यहाँ पे जो फॉर्म बदलता है, सिंगुलर होता है तो कोई वर्ब अलग होता है, प्लूरल फॉर्म आ जाता है तो वर्ब चेंज होता है, हो जाता है. ओके, तो एम इज़ आर का मतलब है. ओके, कि हम हैं. ये बोल रहे हैं आई एम ए गर्ल मतलब कि मैं लड़की हूँ, यू आर अ बॉय मतलब कि आप लड़के हों, ही इज़ अ मैन मतलब कि मैं आदमी, वो आदमी है ऐसा. सी इज़ अ वुमेन, इट इज़ एन एनिमल. ओके, एम इज़ यूज्ड विथ आई, हमने पढ़ा वैसे ही कि आई के साथ हमेशा एम आता है. इज़ यूज्ड विथ ही शी इट, ही शी इट के साथ हमेशा इज आता है. आर इज़ यूज्ड विथ यू वी दे, यू वी दे के साथ आर आता है. फिर से लर्न कर देते हैं, आई के साथ एम आता है, इज के साथ ही शी इट के साथ इज आता है, यू वी दे के साथ आर आता है. ओके, क्वेश्चन है ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम इज आर. एम इज़ आर से फिलअप करना है हमें. ही हमने पढ़ा ही है तो इज आएगा, ही इज़ अ टॉल बॉय. वी, वी के साथ आर आता है, वी आर फ्रॉम हैदराबाद, हम हैदराबाद से हैं. इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे है. द मैंगोज, मैंगोज मतलब प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा तो आर आएगा. द मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज स्वीट है. निशा, निशा लड़की है, एक है तो इज आएगा, निशा इज़ माय सिस्टर, निशा मेरी बहन है. वेंकी एंड अंजू आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे वेंकी और अंजू दोनों की बात हो रही है मतलब प्लूरल फॉर्म तो आर आएगा. आई, आई के साथ हमेशा एम आता है. आई एम 6 year old, मैं 6 साल का हूँ. इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है.
देर आर सेवन डेज इन अ वीक, सेवन डेज मतलब आर। वी के साथ आर आता है। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ओके, सिलेक्ट द राइट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमें सही राइट वर्ड मतलब कि सही वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है। आर है ओके, इन क्लास वन तो यू आएगा, यू आर इन क्लास वन ओके, क्योंकि आर से आर है, प्लूरल फॉर्म है, आर के साथ हमेशा यू आता है या वी और दे आता है, लेकिन यहाँ पे यू आएगा। यू आर इन क्लास वन, आप क्लास वन में हो। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। इट इज़ अ स्नैक्स, स्नैक है तो ईट आएगा। आई एम के साथ हमेशा आई आता है, तो यहाँ पे आई आएगा, आई एम ए सिंगर ओके। इट इज़ सिक्स ओ क्लॉक, यहाँ पे ईट आएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। इट इज़ माई पेट डॉग, यहाँ पे भी ईट आएगा क्योंकि पेट डॉग मतलब कि जानवर की बात हो रही है। यू आर इन द स्कूल, आप स्कूल में हो। सी इज़ माई मदर, वे मेरी माँ हैं। दे आर माई पेरेंट्स, वो मेरे पेरेंट्स हैं। यहाँ पे दे आएगा क्योंकि एक गर्ल आर है तो दे आएगा, दे आर गुड गर्ल, यहाँ पे गर्ल ने गर्ल्स हो जाएगा ओके, दे आर गुड गर्ल्स ओके, वे बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। यहाँ पे एक प्लू सिंगुलर था इसलिए हमने शी लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो वर्ब आर है ओके, इसलिए यहाँ पे दे लगेगा और यहाँ पे एस लगेगा, दे आर अ गुड गर्ल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम अ स्मॉल गर्ल, मैं एक छोटी लड़की हूँ, तो यहाँ पे आई है ओके, आई एम, तो उसका नेगेटिव बनेगा। आई एम नॉट ए बिग गर्ल, मैं बड़ी लड़की नहीं हूँ। वी आर फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से हैं, तो यहाँ पे आएगा वी आर नॉट फ्रॉम लंडन, वी है तो आर लगेगा, जैसे आई है तो एम लगेगा ना, आई एम नॉट, तो यहाँ पे आएगा आर नॉट, तो ऐसे नेगेटिव बनेगा। यू आर शॉर्ट, आप छोटे हो, तो यू आर नॉट टॉल, आप लंबे नहीं हो। ही इज़ अवेक, वो जाग रहा है। ही इज़ नॉट अस्लीप, वो सो रहा नहीं है, ही के साथ इज आएगा। द बॉय इज़ फैट, लड़का फैट है मतलब कि मोटा है, तो यहाँ पे एक बॉय की बात हो रही है, तो उसके साथ इज आएगा। द बॉय इज़ नॉट थिन, जो बॉय है वो पतला नहीं है। ही इज़ माई अंकल, वो मेरे चाचा है। ही इज़ नॉट माई फादर, वो मेरे फादर नहीं है मतलब कि मेरे पापा नहीं हैं। सी इज़ अ सिंगर, वे एक सिंगर है, लड़की जो है वो एक सिंगर है। सी इज़ नॉट अ डांसर, वो एक डांसर नहीं है। द कार इज़ न्यू, कार न्यू है नहीं है। द कार इज़ नॉट ओल्ड, कार ओल्ड मतलब कि पुरानी नहीं है। डी नंबर का क्वेश्चन है, मेक क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनाने हैं। हमने यहाँ पे नेगेटिव सीखे, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाना सीखना है कि क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। फॉर द आंसर्स गिवन, यहाँ पे हमें जो आंसर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं। चूज़ फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसमें से हमें सही आंसर चूज़ करना है ओके। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो पहले हम सीखते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे पहले वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ओके। यहाँ पे जो एमिजार है वो आता है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, वो हमेशा आप याद रखना। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इज़ शी, शी है तो उसका वर्ब इज़ आएगा, हमें पता है। लेकिन हमने क्या किया, पहले हम सी इज़ करते थे ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे इज लगाया और यहाँ पे हमने शी लिखा, तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म बन गया। इज शी योर मदर, क्या वे आपकी माता हैं, तो यस सी इज़ माय मदर। इज ही योर ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर मतलब लड़के की बात हो रही है तो ही आएगा ओके, और अगर ही आएगा तो उसका वर्ब आएगा इज, तो ही इज़ ही योर ब्रदर, तो यस ही इज़ माय ब्रदर। बुक्स की बात हो रही है तो ऑफकोर्स दे आएगा, आर दे योर बुक्स, यस दे आर माई बुक्स, यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है।
यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे ईट से क्वेश्चन बनेगा. इज इट कोल्ड टुडे, आज ठंड है. यस इट इज कोल्ड टुडे, आज ठंड है. शी है तो क्वेश्चन सी से बनेगा, यहाँ पे इज आएगा. इज शी हियर, क्या वो यहाँ पे है. यस सी इज हियर. आर वी लेट फॉर द शो, क्या हम लेट हो गए शो के लिए. यस वी आर लेट फॉर द शो. यहाँ पे जो हमें सब्जेक्ट दिया है, नाउन या प्रोनाउन दिए हैं, उसका यहाँ पे हमें यूज़ करना है. जैसे कि यू है तो यू के साथ आर लगेगा, तो आर यू अ गुड गर्ल, क्या आप अच्छे लड़के हो. यस यू आर अ गुड गर्ल. ओके एम आई कमिंग, यस आई एम कमिंग. अब यहाँ पे ई नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग. यूज इज नॉट, आर नॉट, ये नॉट का फॉर्म है. ओके शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे नॉट पढ़ेंगे हम. नॉट होता है इज नॉट आर नॉट. फर्स्ट नंबर का है, इज लकी अ डॉक्टर, क्या लकी डॉक्टर है. नो सी इज सॉरी लूसी इज लूसी अ डॉक्टर, क्या लूसी एक डॉक्टर है. नहीं वो तो एक नर्स है. तो नो सी इज नॉट ए डॉक्टर, ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. एन कॉमा टी, ओके एपोस्ट्रॉफी ऐसे मतलब कि ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. नो सी इज नॉट अ डॉक्टर, सी इज अ नर्स. ओके सेकेंड नंबर का है, आर दे एग्स, क्या ये अंडे हैं. नो दे आर नॉट एग्स, दे आर एप्पल्स. Is he an old man? क्या वो old man है. No, he is not an old man. वो क्या है. तो he is a young man. Is this a cat? क्या ये cat है. No, this is not a cat. This is a dog. Are they parrots? क्या ये parrots है. नहीं ये तो crows है. तो no, they are not parrots. They are crows. आर दे ऑरेंजेस, क्या ये ऑरेंजेस हैं. नहीं ये तो सब बॉल्स हैं. ओके तो नो दे आर नॉट ऑरेंजेस, दे आर बॉल्स. इज दिस अ ब्लू बैग, क्या ये ब्लू बैग है. तो नहीं नो दिस इज नॉट, यहाँ पे जो वर्ब है वही लिखना है और उसके साथ हमें नॉट लगा देना है. दिस इज नॉट अ ब्लू बैग, दिस इज अ रेड बैग. आर दे फ्रूट्स, नो दे आर नॉट फ्रूट्स, दे आर वेजिटेबल्स. Is this a horse? No, this is not a horse. This is a goat. Are the leaves yellow? ये yellow leaves हैं. No, the leaves are not yellow. They are green. Okay, verb के साथ हमें not लगा देना है जिससे वो negative हो जाएगा. अब हमारा next question है, read the sentences. Below यहाँ पे जो sentences दिए हैं वो हमें read करने हैं. This is Shankar. वो Shankar है. ये Shankar है. He is 10 years old. वो 10 साल का है. ही इज़ इन क्लास 5. वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है. हिज ब्रदर इज़ इन क्लास 1. उसका जो भाई है वो 1st स्टैंडर्ड में है. हिज नेम इज़ शिवा. उसका नाम शिवा है. शिवा एंड शंकर आर गुड चिल्ड्रन. शिवा और शंकर दोनों अच्छे बालक हैं. द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ देम. टीचर्स उनके जो टीचर्स को वो पसंद है. द प्रिंसिपल इज़ हैप्पी विद देम. प्रिंसिपल उनसे हैप्पी हैं. देयर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ देम. उनके पेरेंट्स को उनके साथ उनके ऊपर प्राउड हैं. यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं. मतलब कि जो ट्रू है वहाँ पे टिक मार्क करना है, जो फॉल्स है वहाँ पे क्रॉस मार्क करना है. शंकर एंड शिवा आर ब्रदर्स, तो यस ट्रू आएगा. शंकर एंड शिवा आर ब्रदर्स. शंकर इज़ इन क्लास 1, तो फॉल्स. शंकर कौन से क्लास में था. शंकर 5वीं कक्षा में था, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा. द टीचर लाइक देम, तो यस टीचर उनको पसंद करते थे. शिवा इज़ क्लास 5, फॉल्स. शिवा क्लास 1 में था. शंकर इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ट्रू. शंकर 10 साल का था. जी नंबर का क्वेश्चन है, लेबल द पिक्चर बाय ड्राइंग अ लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर. अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा. हमने रीड किया हुआ है. आई एम टॉनी. दीज के साथ आर आता है क्योंकि आईज दो होती है, तो दीज आर माई आईज. दीज इज़ माई नोज, क्योंकि एक ही नाक होता है तो इज आएगा. दीज आर माई ईयर्स, दो ईयर्स होते हैं कान, तो
आर आएगा. दिस इज माई हेयर, इट इज ब्लैक, दिस आर माई आईब्रोज. ओके, आईज मतलब आँख, नोज मतलब नाक, ईयर्स मतलब कान, हेयर मतलब बाल, बाल होते हैं वो, आईब्रोज मतलब ये आईब्रोज.